हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टडी के लिए ग्रुप से जुड़े होंगे आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, एक प्रकार आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। जो लोग इंग्लिश वाले हों, इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है क्योंकि मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा लोग हिंदी वाले हैं, इसलिए हम लोग हिंदी में इसको करने वाले हैं। किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? आम, बबूल, सिनकोना, खेजड़ी। तो आप लोग ध्यान रखना इसका सही जवाब क्या होगा। 5 सेकंड आप लोग को टाइम दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। आप लोग सोचते हैं तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप लोग को अटेम्प्ट करना ही और ज़्यादा टाइम लगता है तो वीडियो को रोक के भी आंसर दे सकते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़िएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कीट से प्रभावित नहीं होती है उस लकड़ी का क्या नाम है, वो है खेजड़ी। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। इसमें आप लोग बाई मिस्टेक आप लोगों क्वेश्चन नंबर में गलत हुआ है तो आप लोग सुधार लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंटिंग में, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में से संबंधित है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना है। अहोम जनजाति जो है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, झारखंड, आप लोग बताना है अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है। क्या लग रहा है, ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? सूर्य पक्षी जिसको शक्कर खोरा बोलते हैं, बी कौवा, सी बारबेट या बसंत गौरी, डी है भारतीय रावण या कल चीट। देखो इन लोगों का दो दो नाम है, आप लोग याद रखना है। यदि आप लोग जहाँ जहाँ जिस राज्य से आते हैं वहाँ पे अलग बोला जाता है तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ध्यान दीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, सूर्य पक्षी या शक्कर खोरा जो है घोंसला बनाकर रहने वाली पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग ध्यान है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है, चाय, कॉफ़ी, कहवा या कोई नहीं। आप लोग बता दूँ, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है आप लोग इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटीईटी एग्जाम 2024 के नाम से। उसमें जितने भी वीडियो ऐड की गई हैं आप लोग एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें जितने भी वीडियो इंपॉर्टेंट है उसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलसुआ वायरस के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली या पेरोटिट लार ग्रंथियां। बताइए विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय मम्स। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरोटिट लार ग्रंथियां जो है अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल आप लोग के सामने है, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, मधुमक्खी में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से तो आप लोग चलिए बता दीजिए कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी की डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, मधुमक्खी में तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है लेकिन चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है। शहद मधुमक्खी का जो है पालन करना क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिकल्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एपिकल्चर के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आई होप सभी लोगों से बनता होगा, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आप लोगों कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? ऊँटगाड़ी, ट्राली या बैलगाड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैलगाड़ी का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13, किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुक जैसी चोंच। ऐसी हुक जैसी चोंच आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,